तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, वी हैड स्टडीड डायटम्स एंड डेस्पिड्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स. वी ऑल्सो स्टडीड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायटम्स. डायटम्स क्या होते हैं, डायटोमेशियस अर्थ क्या होती है, वाट आर स्टीव प्रोड्यूसर्स, ठीक है, विच आर स्टीव प्रोड्यूसर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स. की डायटम्स और डायस्मिड्स हमने क्राइसोफाइट्स में पढ़े, एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द डाइनोफ्लैजेलेट्स. और डाइनोफ्लैजेलेट्स में वी हैड स्टडीड अबाउट वट आर रेड टाइट्स, रेड टाइट्स क्या होते हैं एंड इन वट मैनर, और वाओ हाउ दे आर सिग्निफिकेंट. क्यों सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए. और इसी तरह से वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी डाइनोफ्लैजेलेट एज ए फायर एल्गी, कि उनको हम फायर एल्गी क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर सम स्पीशीज सच एज नॉक्टिल्यूका, दे एमिट फायर एट नाइट. दैट मीन्स दे एमिट सम ऑफ द लाइट एट नाइट, ड्यू टू विच द ओशियन बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, कि रात के समय बहुत सुंदर नजर आता है, ड्यू टू एमिशन ऑफ सच काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ दिस डाइनोफ्लैजेलेट्स, जिसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉक्टिल्यूका का. तो इस तरह से वी हैड स्टडीड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स. नाउ वी कम टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग स्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू यूग्लिनॉइड्स. कि यूग्लिनॉइड्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू प्रोटिस्टा, विच इज हैविंग प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स. दैट इज वाई इट इज ए सॉर्ट ऑफ पजल टू साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक तरह से ये पजल है. तो अब हम यूग्लिना का एग्जाम्पल लेते हुए वी सी कि वट आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूग्लिना. तो एज वी हैव सीन द स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो ड्रॉन इन, कि एनसीईआरटी में भी इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बहुत सारे पार्ट्स, ऑल ऑफ द इंटरनल सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट्स आर ऑल्सो शोन, ठीक है. तो वो इसमें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लिना इज, इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स हैबिटेट, तो हैबिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि इट इज़ ए फ्रेश वाटर एंड और इट इज़ लिविंग इन, और इट लिव्स इन स्टेगनेट वाटर. स्टेगनेट वाटर मीन्स कहीं पे कोई भी पोंड हो या मडी एरिया हो या मार्शी एरिया हो, इट प्रेफर्स टू लिव इन दोज एरियाज, तो वहाँ रहता है. एंड वी कैन से इट इज़ ए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ यूनिसेलुलर स्पिंडल शेप्ड. कैसी शेप है, स्पिंडल शेप्ड, ब्रॉडर ऑन अपर साइड एंड नैरो एट द लोअर साइड, ठीक है. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटरनल एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूग्लिना, कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ इनवेजिनेटेड इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवेजिनेट करके ए सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. और उसका जो ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड द साइटोस्टोम, और उसको हम क्या कह देते हैं, माउथ भी बोलते हैं. जैसे माउथ इज एन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, द सेम वे साइटोस्टोम इज ऑल्सो शोन एंड इट इज जस्ट लाइक एन ए माउथ, एक तरह से माउथ का काम करता है. साइटोस्टोम लीड्स टू स्मॉल साइटोफेरेंक्स, किस में लीड करता है, नैरो साइटोफेरेंक्स में, एंड अल्टीमेटली ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड द रिजर्वायर. उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर. तो दिस इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ, हम कह लें कि एक तरह का एलिमेंट्री कैनाल है, दैट इज फॉर्म बाय द इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल, द ट्रू सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लिना. इंस्टेड देयर इज ए सेल वॉल दैट इज सेमी रिजिड और फ्लेक्सीबल, मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई, और उसको क्या कहते हैं, एंड इट इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, एंड इसको दैट सेल वॉल इज कॉल्ड द पेलिकल. Due to this pellicle-like cell wall, the Euglena is able to bend its body. कि अपनी बॉडी को बेंड कर सकता है, क्योंकि पेलिकल जो है, it is a sort of, it is a made up of protein and a little bit flexible in nature. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 80% पार्ट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है. और ये प्रोटीन और पेलिकल लेयर, इट इज़ अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिक प्लेट्स. किस तरह से, ऑब्लिक प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है. और प्लेट्स के बीच में, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड द मायोनीम. उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मायोनीम, ठीक है. तो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर, पेलिकल इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिना दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन.
ठीक है. एंड व्हाट आर अबाउट अनदर स्ट्रक्चर्स, इट इज बाईफ्लैजलेट. वैसे तो इसके टू फ्लैजला होती हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द रिजर्वायर. टू बेसल ग्रैन्यूल से एराइज होते हैं, मैंने बाहर की तरफ बनाए हैं फॉर क्लियरेंस, ठीक है. देयर आर टू बेसल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम विच दीज फ्लैजला एराइज, ठीक है. एंड दे मीट एट सम पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पैराफ्लैजलर बॉडी. इसको क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजलर बॉडी, ठीक है. एंड दिस ऑल्सो एक्ट एज एन आई स्पॉट और ए फोटो रिसेप्टर का भी काम करती है, ठीक है. जैसे दो फ्लैजला अराइज होते हैं कहाँ से, इसके रिजर्वायर वाले पार्ट से, ठीक है. उनमें से वन फ्लैजला बिकम्स लॉन्ग एंड कम आउट एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यूग्लिना, कि जब भी यूग्लिना ने एक्वेटिक मीडियम में मूव करना होता है, दैट इज ड्यू टू दिस सिंगल फ्लैजलम, ठीक है, विप लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण एक्वेटिक मीडियम में यूग्लिना इज एबल टू मूव. और अगर मडी पार्ट हो, उस मडी एरिया में यूग्लिना मूव अलोंग द सरफेस बाय मींस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है. जब मडी सरफेस पे हो तो इसकी अलग से मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से, लेकिन जब एक्वेटिक मीडियम हो तो बाय द मूवमेंट ऑफ ए सिंगल लॉन्ग फ्लैजला दैट कम्स आउट फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर से ही निकलता है, ठीक है. और वैसे तो दो फ्लैजला होती हैं, लेकिन वन बिकम स्मॉल एंड टू फ्लैजला दे मीट एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट से मीट करते हैं उनको पैराफ्लैजलर बॉडी भी बोलते हैं. एंड एक्चुअली इट इज़ ए फोटो रिसेप्टर, यानी कि साइंस लाइट की सेंस को रिसीव करता है. देयर इज सम अनदर फोटो रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा और रेड आई स्पॉट. क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और इट इज़ रेड इन कलर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड आई स्पॉट, ठीक है. रेड आई स्पॉट कहते हैं इसको. और इट इज़ हैविंग सम पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड द एस्टाजेंथिन पिगमेंट. रेड स्पॉट के अंदर जो पिगमेंट होता है, दैट स्पॉट के अंदर पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एस्टाजेंथिन पिगमेंट, ठीक है. अब दोनों पिगमेंट, जैसे कि ये पैराफ्लैजलर बॉडी भी फोटो रिसेप्टर का काम करती है, और ये क्या कहते हैं, दिस आई स्पॉट और स्टिग्मा दैट इज़ हैविंग पिगमेंट, जिसके कारण इसको हम यूग्लिनॉइड्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई मीन्स ऑफ ट्यूओइस भी कह सकते हैं. यूग्लिना का मीनिंग ही होता है ट्यूओइस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू आई स्पॉट्स एंड दे आर डिटेक्टिंग टूवर्ड्स द लाइट, कि लाइट की सेंसेशन को वो रिसीव करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से दिस इज अ स्ट्रक्चर. एंड वन मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट नियर द रिजर्वायर, मेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन. किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. मोर ओवर देयर आर ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है. एंड उन पिगमेंट्स में देयर आर वेरियस, कौन कौन से पिगमेंट होती हैं, जस्ट लाइक ऑफ हायर प्लांट्स, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट. ये जो डिस्कॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, दे आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ऑफ हायर प्लांट्स. और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट. ऐसे नहीं कि होते पिगमेंट की क्रोमेटोफोर्स की तरह डिस्पर्स होंगे लाइक अदर लोअर फॉर्म्स. इसमें स्पेशलाइज क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर मेन पिगमेंट्स. जैसे कि प्लांट्स के अंदर होते हैं पिगमेंट्स, तो इनमें भी वही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्लांट लाइक नेचर को, ठीक है. बट ट्रू सेंस में ये प्लांट लाइक नहीं है, जैसे कि इफ़ देयर इज सनलाइट देन दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. सनलाइट की प्रेजेंस में तो व्हाट डू? दे कैप्चर दी सनलाइट एंड डू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इफ व्हेनेवर देयर इज ए डिम लाइट और इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे टर्न हीटरोट्रॉपिक. क्या हो जाती हैं, हीटरोट्रॉपिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है. तो उस वक्त दे एक्ट एज, दे मे बी सेप्रोबिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं या वॉट एवर बैक्टीरिया, होलोफिटिक, होलो कार्पिक इन नेचर. तो इस तरह से दे डिपेंड ऑन
किस पे डिपेंड करती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, और सेप्रोबिक नेचर शो करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लस हीटोट्रॉफिक, दे आर कॉल्ड दी मिक्सोट्रॉपिक। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी एक तरह का मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, कि एक तरह का स्पेशल फीचर है यूग्लेनॉइड का, कि दोनों तरह के इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, हीटरोट्रॉपिक भी। हीटरोट्रॉपिक में ये लिविंग पे भी डिपेंड करती हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी, और ऑटोट्रॉपिक में वन सनलाइट इज देयर देन दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो दीज आर ऑल रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू फाइंड कि कौन कौन सी हैं, रिगार्डिंग देयर हैबिटेट स्टेगनेट वाटर में होती हैं एंड दे आर मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर प्रोटीन कवरिंग इज पेलिकल विच इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फ्लेक्सीबल इन नेचर, हेल्प दी यूग्लेनॉइड्स इन मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट में और फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ए सॉर्ट ऑफ इन्वेजिनेशन इन द फॉर्म ऑफ गलेट और रिजर्वायर भी प्रेजेंट होते हैं, कौन सा, एंटीरियर साइड पे, क्लियर। तो दीज आर रिगार्डिंग दी यूग्लेनॉइड्स। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स। तो अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो जैसे कि हमें मालूम है कि प्रोटिस्टा में हमने वो सारे ऑर्गेनिजम्स स्टडी किए हैं जो ऑल यूनिसेलुलर हों, वेदर दे आर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स ए सॉर्ट ऑफ पजल टू द साइंटिस्ट। तो स्लाइम मोल्ड्स दे आर ऑल्सो वन ऑफ देम, कि स्लाइम मोल्ड्स भी उनमें से एक हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली स्लाइम मोल्ड्स दे वर इंक्लूडेड अंदर मिक्सोमाइकोटा ऑफ द फंगस, फंगस के अंदर इनको मिक्सोमाइकोटा में इंक्लूड किया गया था, फॉल्स फंगस के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर मोड लाइक और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट दे फॉर्म डियर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, कि अपनी लाइफ साइकिल में ये मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं इन ऑन देयर फिलामेंट, बट ऑन द ट्रू सेंस वी कैन नॉट से दैम। ऑन द अदर हैंड दे लुक लाइक अमीबा, अमीबा की तरह नजर जा, अमीबा की तरह ही ये मूव करते हुए नजर आते हैं बाय द एक्सटेंशन ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बनाकर, एंड व्हेन दे एग्रीगेट देन दे फॉर्म द सूडोप्लाज्मोडियल मास। तो इस तरह से दे लुक लाइक एनिमल ऑल्सो, एंड मोर ओवर सम ऑफ द साइंटिस्ट दे रिलेट देम टू द प्लांट्स ऑल्सो, कि प्लांट्स क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेल वॉल अराउंड देयर स्पोर्स, सेलुलोज की सेल वॉल होती है उनके चारों तरफ, तो जिसके कारण दे कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड अंडर प्लांट्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दे आर ए सॉर्ट ऑफ पजल, बट मोर ओवर वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू एक्सप्लेन दैम इन ए बेटर वे बाय क्लासीफाइंग दैम इन टू टू मेन डिवीजन, सब डिवीजन्स में इनको डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द डिवीजन दैट वी विल बी स्टडिंग, दैट इज सेलुलर स्लाइम मोड्स दैट कम्स अंडर एक्रेशियो माइकोटा। किसमें आते हैं डिवीजन? एक्रेशियो माइकोटा। इसमें जितने भी हैं सेलुलर, सेलुलर मीन्स दे आर यूनिसेलुलर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स, दे मूव विद द हेल्प ऑफ, जैसे ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव करते हैं, एंड दे मूव टुगेदर एंड दे ज्वाइन टुगेदर एंड दे सीक्रेट अराउंड देम सेल्फ सम ऑफ द स्लाइम लेयर, ठीक है, कुछ स्लाइम लेयर केमिकल्स सीक्रेट कर लेती हैं, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड द एक्राजिन, उस एक्राजिन बोलते हैं, दैट मीन्स दे आर केमिकल अट्रैक्टेंट, अट्रैक्टेंट मीन्स कीमोटैक्टिक्स मूवमेंट शो करते हैं, कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल, कि जब भी ये मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन दे क्या हो जाता है, कई बार व्हेन देयर इज ए शॉर्ट ऑफ फूड सप्लाई दे एग्रीगेट एंड देन मूव टूगेदर वेयर एवर दे फाइंड देयर फूड, जहाँ पे भी ये मूव करते हैं दे मूव अलोंग द डेड ट्विग्स, रोटन लीव्स, या जो भी डेड पार्ट हो वुडी एरिया का, दे ट्राई टू मूव इन ऑन दोज एरियाज, एंड मोर ओवर दे ऑल्सो एनगल्फ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी एनगल्फ करते हैं, जो भी स्मॉल यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स उनके रास्ते में आते हैं, दे ऑल्सो एनगल्फ देम, ठीक है, बाय फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। तो इस तरह से इनके मास को जो एग्रीगेशन है दैट इज कॉल्ड द सूडो प्लाज्मोडियल मास, ठीक है, सूडो प्लाज्मोडियम की फॉर्म में ये
मूव करते हुए आगे जाती हैं, हैविंग ए स्लाइम लेयर. इनके चारों तरफ स्लाइम लेयर होती है एंड दैट केमिकल दैट फॉर्म्स द स्लाइम लेयर इज एक्रेसिन दैट इज सीक्रेटेड बाय देम. और एडवर्स कंडीशन जब भी आती हैं तो व्हाट हैपन्स, दे स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं यानी कि इनके स्ट्रक्चर्स कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स दी स्पोर स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स. स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दी स्पोरेंजिया दिस आर हैविंग स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज यूनि सेलुलर स्पोर्स क्या हो जाते हैं, अल्टीमेटली जर्मिनेट टू फॉर्म फिर से अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड समटाइम्स दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट और जाइगोट फिर में फिर मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, यूनिसेलुलर मास इज ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड अगेन एंड देन अगेन दे आर कन्वर्टेड इन टू सच काइंड ऑफ स्लाइम लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. तो दिस इज रिगार्डिंग एक्रेशियो माइकोटा कि क्या मेन डिफरेंस है एक्रेशियो माइकोटा में और मिक्सो माइकोटा जिसकी मेन स्पीशीज मिक्सो माइकोटा की है. ठीक है, तो मिक्सो माइकोटा में हम देखते हैं कि अगेन देयर आर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर और सूडो प्लाज्मोडियल लाइक मास बट दिस टाइम इट इज़ ए मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर. क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर इज देयर इन देयर बॉडी एंड दिस मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियस है दैट इज डिप्लॉयड इन नेचर. उसकी क्या नेचर होती है, डिप्लॉयड नेचर की है. ठीक है, एंड दे ऑल्सो मूव अलोंग दी रोटन एग्जो डेड सर्फेसिस. जितनी भी डिम लाइट की तरफ या मॉइस्ट कंडीशन हो, डिम लाइट कंडीशन हो, एंड दे मूव अलोंग दी डेड ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करते हैं या लिविंग बैक्टीरिया या डायटम्स जो भी उनके रास्ते में आते हैं दे एनगल्फ देम. ठीक है, एंड इन द सेम मैनर दे ऑल्सो फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी. फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं. ठीक है, और इनका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है दैट इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इन टू स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, देयर कम्स द मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे. तो स्पोर्स में जो इनकी सेल वॉल होती है स्पोर्स में दैट इज हैविंग ए सेलुलोस नेचर. जो इनके चारों तरफ की जो सेल वॉल है दैट इज फॉर्मिंग ए ट्रू स्पोर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई एंड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ सेलुलोज सेलुलोजिक सेल वॉल के कारण दे आर एबल टू सर्वाइव टू और थ्री ईयर्स. काफ़ी समय तक ये सर्वाइव रह सकते हैं. ठीक है, एडवर्स कंडीशन को सर्वाइव करते हैं एंड फिर जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन होगी दे जर्मिनेट. समटाइम्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म मिक्स अमीबा. अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड समटाइम्स दे आर कन्वर्टेड इन टू स्वॉर्म सेल्स. स्वॉर्म सेल्स क्या होती हैं, they are just like the gametes having flagella. gametes होती हैं या अपने चारों तरफ ये flagella, चारों तरफ नहीं only one flagella is formed at their tips. ठीक है, तो या तो ये mix amoeba बन जाते हैं और ultimately they are converted into young. फिर उसके इनकी joining के बाद they are converted into यंग प्लाज्मोडियम. यंग प्लाज्मोडियम में फिर से कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली जो इनका न्यूक्लियस होगा विल डिवाइड माइटोटिकली. माइटोटिकली डिवाइड करेगा. पहले तो मिक्स अमीबा बने, ये मिक्स अमीबा बने या स्वॉर्म सेल्स बने. ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट करके या तो मिक्स अमीबा बने, मिक्स अमीबा से यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्वाइन करेंगे या फिर ये स्वॉर्म सेल्स हैविंग फ्लैजला. कुछ भी बनता है इनमें तो ये दोनों ही एक तरह के गैमीट का काम करते हैं. जब ज्वाइन करेंगे तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. ठीक है, दिस डिप्लॉयड जाइगोट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन से फिर से डिप्लॉयड थैलस लाइक स्ट्रक्चर लेकिन मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन इज रिटेन्ड अगेन. तो इस तरह से दे मूव अलोंग. तो ए सॉर्ट ऑफ पजल इज देयर कि क्यों, किस तरह से ये प्लांट लाइक है, एनिमल लाइक है एंड और फंगस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. फंगस लाइक करेक्टर्स आर फ्रूटिंग बॉडी. प्लांट लाइक आर ट्रू सेलुलोजिक सेल वॉल अराउंड देयर स्पोर्स एंड एनिमल लाइक स्ट्रक्चर इज देयर मूविंग लाइक अमीबा. स्लाइम मासिस होती हैं और सूडोपोडिया की फॉर्म में ये मूव करती हैं. तो कहने का मतलब है मैंने ये जो दो साइकिल्स बनाई हैं इनमें थोड़ा सा ही डिफ्रेंशिएशन है कि इसमें तो हैप्लॉइड लेवल है लेकिन स्लाइम मास इरेगुलर अमीबा लाइक मास इसमें भी है और इसमें भी है स्लाइम लेयर स्लाइम मोल्ड्स में. ठीक है, बट इट इज़ मल्टी न्यूक्लियेट इन कंडीशन. ठीक है, तो ऑल दीज आर स्लाइम मोल्ड्स दैट कम्स अंडर किसके अंदर, हमने प्रोटिस्टा के अंदर अंडर दी हमने पढ़ा. ठीक है, तो
we should not confuse this pseudoplasmodium or plasmodium that we are studying with that of plasmodium of kya kehte hain we say ki that we will be studying in protozoans. Mein sporozoans ke andar bhi plasmodium study karenge, so we will see they are different and different thing, and these are different because they depend on all these, they are depending on dead organic matter, aur usme plasmodium jo malaria parasite hai, parasite hai, that depends on living or acting as a parasite. ठीक है, वो पैरासाइट का काम करता है और उसमें बहुत सारी स्पोरोफिटिक्स स्टेजेस हैं जो कि हम देखेंगे बाद में. प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे. तो इन दिस मैनर दिस कंप्लीट्स दी स्लाइम मोल्ड्स एज वेल एज यूग्लिना. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज प्रोटोजोअन्स दैट कम्स अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है.